नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 31 अगस्त की शाम को INDIA अर्थात इंडिया गठबंधन के सभी नेता मुंबई के एक होटल में मिल रहे हैं और उस होटल में ये तय हो जाएगा कि वास्तव में इंडिया गठबंधन के आगे के कार्ययोजना किस तरीके से सामने आएंगे और उन कार्ययोजनाओं पर कौन पार्टी, कौन नेता किस तरह से अमल करेगा, संयोजक कौन बनाया जाएगा, झंडा क्या होगा, बैनर क्या होगा, लोगो क्या होगा, ये सारी बातें तय होंगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है और वो ये है कि मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं, बसपा सुप्रीमो कही जाती हैं, वो बाकायदा ऐलान कर चुकी हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। मायावती का ये ऐलान विपक्ष की राजनीति पर एक करारा प्रहार है, क्योंकि मायावती को बाकायदा न्योता भेजा गया था और उनसे कहा गया था कि वो शामिल हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की राह को बहुत मुश्किल बनाया जा सकता है। लेकिन मायावती के पास जब ये प्रस्ताव आया, उसके ठीक 24 घंटे बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि न तो वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी, न एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि ये दोनों गठबंधन जातिवादी हैं और गरीबों और दलितों की विरोधी हैं। बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया और साथ ही ऐलान किया कि आगामी लोकसभा चुनाव और 4 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और दोनों गठबंधनों के सामने बड़ी चुनौती पेश करेगी। बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगी या नहीं, या उनके इस बयान में कितना दम है, ये एक दूसरा पक्ष है। लेकिन सवाल यह है कि वो मायावती, जो विपक्ष की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा हो सकती है, आखिर में 26 दलों के साथ अपने आप को एसिमिलेट या उसमें शामिल होना क्यों नहीं चाहती, वो इससे किनारा क्यों कर रही। सवाल यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से अंदरखाने इंडिया गठबंधन के विभिन्न धड़ों के बीच जोर आजमाइश चल रही है, जी हां, जोर आजमाइश चल रही है, उसको मायावती भांप चुकी है। सोशल इंजीनियरिंग की मास्टर कहे जाने वाली मायावती ने इसीलिए जब उनके सामने ये प्रस्ताव दिया गया कि वो इंडिया गठबंधन ज्वाइन करें, तो उन्होंने ये मांग रख दी कि कम से कम बीएसपी के गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उन्हें 40 सीटों पर चुनाव लड़ने दिया जाए। और जब ये ऐलान किया तो ये व्यवहारिक पक्ष नहीं था, ये समझा जा सकता है, और तभी स्पष्ट हो गया था कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव में नहीं जाने वाली, क्योंकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी फिर क्या करती। और जब समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से रख दी, तो यह साफ हो गया कि न तो वो समाजवादी पार्टी के साथ, न कांग्रेस के साथ, न ही अन्य दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किसी के साथ चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि मायावती को लगता है कि जब चुनाव हो जाता है तो उनके विधायकों या उनके सांसदों को तोड़ने या उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसमें वो ये सभी दल शामिल हैं जो फिलहाल इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं। और ऐसे में मायावती नहीं चाहती कि चुनाव के पहले जिस गठबंधन के साथ कोई फायदा ही नहीं, कोई ऐसा संकेत दिया जाए कि उनको गलतफहमी हो जाए कि वो उस गठबंधन में शामिल होंगी। हालांकि उन्होंने बयान में यह भी कहा कि वो एनडीए गठबंधन के साथ भी नहीं जाएंगी, अर्थात भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के, उसमें 38 दल हैं, उनके साथ भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। मतलब साफ है कि मायावती के इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए राहत की सांस लेगी, क्योंकि जिस स्थिति में और जिस अंदाज में मायावती ने ऐलान किया है, मतलब साफ है कि वो अपने सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर के तहत हर एक सीट पर कैंडिडेट उतारेंगी और उसमें जो भी वोट कटेगा उसमें ज्यादा वोट
इंडिया गठबंधन के बैनर तले अगर कोई एक कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा तो उसका कटेगा। हालांकि ये भी अभी बड़ा सवाल है कि कितने कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे एक ही चुनाव चिन्ह या बैनर के तले, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मायावती एनडीए की बजाय इंडिया गठबंधन के किसी भी प्रत्याशी की वोट ज्यादा काटेंगे, इसलिए एनडीए इसमें राहत की सांस ले रहा है। और प्रकारांतर से यह भी कहा जा रहा है कि मायावती वस्तु स्थिति और यथार्थ परक दृष्टिकोण रखते हुए ये समझ चुकी हैं कि फिलहाल मोदी ब्रांड के सामने भले ही 26 दल एक साथ मुंबई में इकट्ठा हो, चाहे कर्नाटक बेंगलुरु में इकट्ठा हो, चाहे बिहार में इकट्ठा हो, आगे भी चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले वो इकट्ठा होंगे, उनमें जो एकता फिलहाल संभव नहीं लग रही है वो संभव भी बना दिया जाए तो कोई भी मोदी ब्रांड के सामने दिखता नजर नहीं आ रहा। कोई एक ऐसा चेहरा सामने नहीं नजर आ रहा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को उस अंदाज में, उस तरीके से चुनौती दे सके जो उन्हें हरा सके, उन्हें सत्ता से दूर कर सके। और इस यथार्थ सोच को समझते हुए वो सिर्फ अपने पार्टी के वजूद, अपने पार्टी के महत्व को सामने रखना चाहती है। और पोस्ट पोल अलायंस में अगर कोई स्थिति बने तो हो सकता है कि वो उस गठबंधन के साथ जुड़ जाए, चाहे वो इंडिया हो या एनडीए, लेकिन उसके पहले वो चुनाव अकेले लड़ करके अपने कार्यकर्ताओं को इस बात का संदेश देना चाहती हैं कि ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा कैंडिडेट उनके जीत करके लोकसभा में पहुंचे, या जो चार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव में कूदेगी वहां भी ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनाव में जिताकर भेजे जाए। इसलिए जो प्रेशर फैक्टर है वो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की तरफ से ज्यादा प्रभावी किया जा सकता है। मायावती इस रणनीति पर चलते हुए सिर्फ अपने पार्टी, अपने संगठन, कार्यकर्ताओं और सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो टिकट दिए जाएंगे उनके प्रदर्शन पर भरोसा है और इसके लिए वो पूरी एक कार्ययोजना पर काम कर रही हैं और वो चुनाव में उसका सफल प्रयोग करती देखी जा सकती हैं। सवाल ये है कि जब मायावती चुनाव में अकेले जा रही हैं तो फिर इंडिया गठबंधन में मायूसी किस स्तर तक है। आप इस खबर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो खबर यह भी आ रही है कि अकाली दल के पास भी इंडिया गठबंधन की तरफ से न्योता गया है कि वो भी शामिल हो जाएं इंडिया गठबंधन में। लेकिन अकाली दल शामिल नहीं होगा ये बात भी क्लियर है, क्योंकि संसद में जो भी संग्राम चला और इसके अतिरिक्त सड़क पर भी जो संग्राम चलता है, आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस के नेताओं में टीका टिप्पणी करने में अकाली दल के नेता कभी भी पीछे नहीं रह रहे हैं। खबर तो यह भी है कि अकाली दल क्यों में खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ आने वाले चुनाव में भाग लेने के लिए, लेकिन अभी हरी झंडी इधर से नहीं मिली। ऐसे में इंडिया गठबंधन के कुछ नेता ये चाहते हैं कि अकाली दल उनके साथ आ जाए, लेकिन पंजाब की राजनीति की विडंबना यह है कि अकाली दल अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा तो उसे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता नजर आ रहा, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के लिए दिल्ली में मुश्किलें पैदा कर रही है, वो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एक साथ एक गठबंधन पर अगर चुनाव होता है एक गठबंधन के तहत, तो उसमें अकाली दल को फायदा आम आदमी पार्टी देगी इसमें संदेह है, कांग्रेस देगी इसमें संदेह। इसलिए अकाली दल भी इस न्योते को स्वीकार नहीं करेगी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर में और ज्यादा घटक दलों को अपने साथ लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों इंडिया गठबंधन अभी भी अपने आप को मजबूत स्थिति में नहीं देख पा रहा, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का फिलहाल एक उत्तर है कि मोदी ब्रांड और विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के पास फिलहाल कोई काट ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय यात्रा को रोका जा सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है और इस विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं, आप जरूर हमें बताएं।
रहेगा इसका इंतजार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।